क्या लगता है, मतलब क्या चल रहा है, कौन आएगा हरियाणा में? हरियाणा में या देश में? पहले तो आप हरियाणा का ही बता दीजिए। हरियाणा में अभी 6 सीट तो हम ले रहे हैं आज की तारीख में। कौन ले रहा है? गठबंधन ले रही है 6 सीट, इंडिया गठबंधन। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, बाकी अभी और प्रत्याशी जब उतर जाएंगे सारे, उसके बाद जो पिक्चर साफ होगी, जब पता चलेगा कि कितना बढ़ते हैं या कोई नीचे जाते हैं, पर आज की तारीख में 6 सीट इंडिया गठबंधन क्लियर ले रहा है। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन को ही क्यों वोट देंगे, कुछ बताएंगे इसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है भारत के संविधान को बचाना, जो कि इनके MP सीटिंग MP हैं वो सरेआम मंच से कह रहे हैं कि भाई हमें 400 सीट दो जिससे कि हम संविधान बदल सकें। इसलिए नंबर दो, इन्होंने कोई भलाई का काम जनता का किया नहीं। अगर मोदी जी ने कोई काम किया है तो वो उसके नाम पे उसी प्रकार वोट मांगे, जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री सरेआम खुले होकर कहता है कि भाई अगर मैंने कोई काम किया है तो मुझे वोट दो, नहीं तो मुझे वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है। तो आपको लगता है कि देश में तानाशाही की सरकार आ गई है? देश में तानाशाही की सरकार है और इसको भगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो अंग्रेज़ों के टाइम में, मुगलों के टाइम में अत्याचार पब्लिक पर होते थे, ऐसे ही होंगे, जिसका सीधा सा आप उदाहरण जागता हुआ देखते हैं। दिल्ली के CM केजरीवाल को जबरदस्ती बिना किसी कसूर के बंद किया हुआ है। कुरुक्षेत्र में कौन आएगा? कुरुक्षेत्र में आज की तारीख में सुशील गुप्ता जी कम से कम 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं सर्वे के अनुसार हमारे के। अच्छा, तो देश चाहता है कि बदलाव आए, कुरुक्षेत्र चाहता है कि बदलाव आए, क्षेत्र चाहता है बदलाव, चाहे हरियाणा बदलाव चाह रहा है और पूरा देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। कैसे लग रहा है आपको कि वो जीत रहे हैं? जैसे उनका नाम है सुशील गुप्ता जी, उनका स्वभाव भी बिल्कुल सुशील है। अगर कोई भी रात के 12 बजे 1 बजे उनके पास फोन करेगा, अगर वो बिजी हैं तो वापसी कॉल उसके पास आएगा, वर्कर के पास आएगा या जो भी कर रहा है उसके पास उनका कॉल आएगा, हालचाल पूछेंगे और वो अपना आदमी भेज के उसकी समस्या को दूर करेंगे। अच्छा, तो अपने वो मिलनसार आदमी है, तो जमीनी तौर पे जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, जुड़े हुए हैं क्योंकि इससे पहले वो राज्यसभा में रह चुके हैं ना, ठीक है, इसलिए। और फिर वो यहाँ के नज़दीक के गाँव के हैं, गांव के नज़दीक से है, लेकिन जैसे आपने बोला कि वो ज़मीनी तौर पे अगर हम उनको रात के 12 बजे भी कॉल करें तो वो अगर फ़ोन ना भी उठा पाए तो कॉल बैक करते हैं और पूछते हैं। कई बार हमने भी ऐसे किया है तो उन्होंने एक दो बार तो जवाब दिया है, उसके बाद सुबह उनका फ़ोन अपने आप ही आया है। हाँ, और पूछा बताओ जी क्या समस्या है, और फिर उसका उन्होंने जैसा होता था वो निदान किया है, चाहे वो पुलिस से क्षेत्र से जीत रहे हैं 100% जीतेंगे जी, बेशक आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो और 4 जून को देख लेना, ठीक है।